हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप लोग? मजे में हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। आज हमारे जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है, और इसको शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, आपको बता दूं, आप लोगों को पता ही है, हमारा कैरियर पॉइंट जयपुर का जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इसके जो भी वीडियोज होंगे वो आपके मिस ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, कोशिश ये करें कि क्लास को लाइव अटेंड करें। लाइव क्लास अटेंड करेंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? दो बातें अपनी खत्म हुई। अब क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको फटाफट एक बार रिवाइंड करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि हम जानते ही हैं क्या होता है, कि भाई ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसका मतलब सीधा सा है कि भाई अगर हम एक साथ दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, एक साथ दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, ये क्यों कराया? क्योंकि वो ये ऑब्जर्व करना चाहते थे कि भाई जब एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है तो दूसरे कैरेक्टर का उस पर क्या इफेक्ट है, है ना? एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर दूसरे कैरेक्टर का क्या इफेक्ट है, ये ऑब्जर्व करना चाहते थे मेंडल। इसीलिए उन्होंने क्या कराया? डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा सीड फॉर्म और सीड कलर, दो चीजें उन्होंने मेंशन की और उनको लेकर क्रॉस कराया, और उनको क्या रेशियो मिला? 9:3:3:1 मिला, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि भाई यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमको नए कॉम्बिनेशन भी ऑब्टेन होते हैं। भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो ऑब्टेन हुए ही, जो पेरेंट्स लिए थे, साथ ही नए कॉम्बिनेशन भी ऑब्टेन हुए, यानी इसी को हम बोलते थे जो कंक्लूजन में हमने बताया कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई जब दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जाते हैं तो उनका इनहेरिटेंस एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होता है, उसका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता है, उनका जो इनहेरिटेंस या असॉर्टमेंट है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। यही हमने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि जो 9:3:3:1 रेशियो आया था, वो 9 उसमें हमको मिले राउंड और येलो, और लास्ट वाला जो एक था वो था ग्रीन और रिंकल्ड, लेकिन बीच वाले जो 3 थे वो राउंड के साथ रिंकल्ड भी था, राउंड के साथ ग्रीन भी था और येलो के साथ रिंकल्ड भी था, तो दोनों तरह के इनको फिनोटाइप ऑब्टेन हुए। और जीनोटाइप भी हमने बता दिया 122, 412, 121, 122, 412, 121, क्लियर, समझ गए? ये बात अपनी हो चुकी थी। उसके बाद हम चले गए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब हमारा जो F1 इंडिविजुअल है, हमारा जो F1 हाइब्रिड है, उसका क्रॉस कराओ, F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराओ किसी एक पेरेंट के साथ, तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। अगर हम डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो कहलाएगा आउट क्रॉस, और अगर हम वही क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की हमने कई बातें की कि भाई टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या, F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स, और जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो मिला 1:1, और डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो मिला 1:1:1:1 मिला। क्लियर, यही बात हुई थी। तो यहां फिनोटाइप रेशियो देखें चाहे जीनोटाइप रेशियो देखें, दोनों ही सेम आता है 1:1:1:1 अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड है तो 1:1, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है, क्या यूज है टेस्ट क्रॉस का? हमारा जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा, जिसका फिनोटाइप कैसा होगा, डोमिनेंट होगा,
वो डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता कि भाई हमारा जो इंडिविजुअल है, अगर प्लांट है, पी प्लांट है और वो टॉल है, तो टॉल तो दो तरह का हो सकता है, या तो वो प्योर हो सकता है यानी कैपिटल टी हो सकता है, या वो इम्प्योर हो सकता है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो दोनों ही तरह का हमारा टॉल प्लांट हो सकता है, और दोनों में से कौन सा वाला टॉल है ये पता करने के लिए उसका क्रॉस करा देते हैं हम किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी उसका टेस्ट क्रॉस करा दो। अगर सारे टॉल मिलेंगे इसका मतलब तो वो कैसा है, प्योर है, लेकिन अगर 50% टॉल मिले 50% ड्वार्फ मिले इसका मतलब वो कैसा है, इम्प्योर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, समझिए ना बात को, यहां तक की बात अपनी हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस, मेंडेलियन लॉज के एक्सेप्शंस की हम लोग बात करेंगे। और पहला है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके एक्सेप्शन, और उसमें पहला एक्सेप्शन आ गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला एक्सेप्शन आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले उसकी बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई जब कंडीशन कैसी हो, हेटेरोजाइगस, यानी जोड़ी के दोनों फैक्टर, पेयर में से दोनों फैक्टर किसी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, तो दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। यानी अगर कंडीशन कैसी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। ऐसा ही तो होता है ना, दोनों में से कोई एक जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और दूसरा वाला जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो कहलाएगा रिसेसिव, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता। इनकम्प्लीट, नाम ही इनकम्प्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, पूरी तरह से रिसेसिव पर डोमिनेंट नहीं होता है। और इसी वजह से जो नया फिनोटाइप F1 इंडिविजुअल में आता है वो दोनों ही पेरेंट से डिफरेंट होता है, वो दोनों ही पेरेंट से मैच नहीं करता है, ठीक है, ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखें, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब हमको मिली थी तो याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहां हमने देखा कि सारे ही हमको कैसे प्लांट मिले, टॉल, सारे ही प्लांट हमको टॉल मिले, यानी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आया वो कौन सा वाला, डोमिनेंट वाला, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स F1 जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, नया फिनोटाइप आ जाएगा, यानी जो फिनोटाइप आएगा या F1 जनरेशन मिलेगी वो दोनों ही पेरेंट्स से कैसी होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर, आगे ना बात समझ में। अब यहां पर होता क्या है, दोनों ही फैक्टर्स, बोथ फैक्टर्स, ये देखो, बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है तो दोनों, बट डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कंप्लीटली, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और इसीलिए क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन इज फॉर्म्ड। जो इंडिविजुअल मिलेगा वो इंटरमीडिएट होगा, जो कि दोनों ही पेरेंट से डिफरेंट होगा।
ये कहलाएगा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर, समझिए बात को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ एग्जांपल्स देखें आप, कुछ एग्जांपल्स, डेफिनेशन समझिए, है ना भाई। अभी हम देखेंगे जैसे मिराबिलिस जलाफा, वहां हम बोलेंगे कि भाई दो तरह के फ्लावर मिलते हैं, एक रेड होता है और एक व्हाइट होता है। ये देखो, रेड वाले को हम लिख देते हैं भाई कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट वाले को लिख दो साहब स्मॉल आर स्मॉल आर, क्रॉस कराओ क्या मिलेगा? आर स्मॉल। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता तो ये कैसा होना चाहिए था? ये रेड होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था या व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण ना ये पूरी तरह रेड होगा ना पूरी तरह व्हाइट होगा, बल्कि कैसा होगा? पिंक होगा। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट बन गया, रेड और व्हाइट के बीच का बन गया इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको ऑब्टेन हो गया। यही कारण है इनकम्प्लीट डोमिनेंस बनेगा। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में? चलो आगे चलो, देखो एग्जांपल देखें। इसमें एग्जांपल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में फ्लावर का कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर भी किया था मिराबिलिस जलापा में। किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने। कोरेंस ने डिस्कवर किया था मिराबिलिस जलापा में, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं बेसिस। देखो रेड फ्लावर वाले, ये देखो एक व्हाइट फ्लावर वाले और तीसरे पिंक फ्लावर वाले। एक है रेड फ्लावर वाले, एक है व्हाइट फ्लावर वाले और एक है पिंक फ्लावर वाले। ठीक है, अब देख लो क्रॉस देख लो। व्हेन व्हाइट व्हेन रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर वाले, तो कैसे मिले? पिंक फ्लावर वाले ऑब्टेन हुए किसमें? एफ वन जनरेशन। यही तो अभी हम बता रहे थे। द रीजन इज रेड कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। लाल वाला जो है व्हाइट पर कैसा है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। और इसमें जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपको मिलेगा वो कैसा होगा? 1:1। चाहे फिनोटाइप रेशियो की बात कर लें चाहे जीनोटाइप रेशियो की बात कर लें, वो रेशियो कैसा आएगा? 1:1 आएगा। क्लियर, आगे क्या मेरी बात समझ में? देखो इधर ये क्रॉस हो रहा है ना, ये हमने देखा रेड फ्लावर कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमेट्स बना दो, क्रॉस करा दो, एफ वन जनरेशन में सारे ही प्लांट कैसे मिले? पिंक मिले। ऑल द प्लांट्स आर पिंक फ्लावर, सारे पिंक फ्लावर वाले। कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स यहां ऑब्टेन। अब इसमें सेल्फ क्रॉस करा दो, ये देखो सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस कराया तो ये देखो ये वाला प्लांट तो कैसा? रेड। ये वाला कैसा? व्हाइट। और ये दोनों वाले कैसे? पिंक। तो देखो फिनोटाइप रेशियो कितना आया, रेड एक पिंक दो और व्हाइट एक, यानी रेड पिंक और व्हाइट 1:1 है ना। और जीनोटाइप रेशियो कितना आया, ये देख लो कैपिटल आर एक, ये देखो कैपिटल आर दो और स्मॉल आर एक, तो ये रहा जीनोटाइप रेशियो 1:1। तो चाहे फिनोटाइप रेशियो देख लें चाहे जीनोटाइप रेशियो देख लें, दोनों ही केस में रेशियो आएगा 1:1। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा एग्जांपल है किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिराबिलिस जलापा में हमको ये मिला, मिराबिलिस जलापा के अलावा हमको स्नैपड्रैगन में,
स्नैपड्रैगन में भी कंसेप्ट बिल्कुल मिराबिलिस जलापा है जैसा है, और वहां भी हमको तीन तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, रेड, वाइट और पिंक। यहाँ मिराबिलिस जलापा आपको, सॉरी स्नैपड्रैगन की पिक आपको दी हुई है, इसमें आप रेड, व्हाइट और पिंक फ्लावर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगला एग्जांपल आ गया फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस। फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस जिसको आप बोलते हैं स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर, और इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किसके लिए है, फ्लावर कलर के लिए है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किसके लिए है, फ्लावर कलर के लिए है। ये देखो स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन दिस प्लांट विच इज द सेम एज मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा में जैसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखेगी वैसी ही आपको एंटी राइनम मेजस में भी दिखेगी, यानी वही तीन तरह के फ्लावर्स होंगे, वाइट, पिंक और रेड, ठीक। तो ये बात हुई एंटी राइनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन। और तीसरा एग्जांपल है फेदर कलर इन एंडालूसियन फाउल। एंडालूसियन जो मुर्गे होते हैं उनमें पंख का रंग, एंडालूसियन मुर्गों में पंख का जो रंग होता है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है। कैसे करता है भाई, एंडालूसियन मुर्गों में पंख का रंग दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक, ब्लैक को आप लिखते हैं कैपिटल बी कैपिटल बी, एक होता है वाइट, और वाइट को आप लिखते हैं स्मॉल बी, और जब दोनों का क्रॉस कराओगे तो आपको मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। डोमिनेंस हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके अकॉर्डिंग ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये कैसा होना चाहिए था, या तो ब्लैक या वाइट, लेकिन यहाँ पर ना ये ब्लैक होगा ना ही ये वाइट होगा, बल्कि ये कैसा होगा, ब्लू होगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ये तो कौन सी है F1 जनरेशन, और इसके बाद जब आप F2 जनरेशन में जाएंगे तो वही रेशो आपको मिलेगा 1:2:1। क्या मिलेगा, 1:2:1 मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस वैसा ही है, अच्छा चाहे फिनोटाइप रेशो देख लो चाहे जीनोटाइप रेशो देख लो, दोनों ही केस में 1:1 यहाँ ऑप्टेन होगा। तो एंडालूसियन मुर्गों में जो फ्लावर कलर है, फेदर कलर है, पंख का रंग, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज प्रेजेंट फॉर देयर फेदर कलर व्हेन अ ब्लैक कलर फॉल इज क्रॉस्ड विद व्हाइट कलर फॉल। F1 जनरेशन में कैसे मुर्गे हमको मिलेंगे, ब्लू कलर वाले मुर्गे। क्लियर, समझ गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। चलो जी आगे चलो, और अब आ गया नेक्स्ट एक्सेप्शन विच इज कोडोमिनेंस। याद करो लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन आपने बताए थे, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा था कोडोमिनेंस, ऐसे ही था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि भाई जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव है उन दोनों का इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमको मिलेगा जो दोनों पेरेंट से ही डिफरेंट होगा। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा, जब कंडीशन हेटेरोजाइगस होगी, जो हमारा F1 हाइब्रिड बनेगा उसमें दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, दोनों का ही इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट है ना। यहां दोनों का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, दोनों मिक्स नहीं होंगे, दोनों का इंटरमीडिएट इफेक्ट नहीं, बल्कि दोनों इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट शो करेंगे, तो वो कहलाएगा कोडोमिनेंस, है ना। ये देखो, इन दिस फिनोमेनन द जीन एक्सप्रेस्ड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर इन both the gene expressed in F1 hybrid project, F1 hybrid में दोनों ही अपने आप को express कर। Example क्या है? Codominance is seen in animal for coat color, animal में जो skin का color है, उनकी coat का color है, उसके लिए आप codominance देख सकते हैं। कैसा मिलता है? दो तरह का मिल सकता है, एक होता है ब्लैक, लिख दो कैपिटल बी, दूसरा कौन सा होता है? व्हाइट, स्मॉल बी, और जब इनका क्रॉस कराओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला प्लांट होगा, सॉरी एनिमल होगा, ये कैसा होगा? रोन होगा। रोन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चितकबरे, तो आप समझते ही हो, जिस पर ब्लैक स्पॉट्स भी होंगे और वाइट स्पॉट्स भी होंगे, यानी ब्लैक और वाइट जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। वहां ब्लैक स्पॉट्स भी हैं एनिमल के कोट कलर पे और वाइट स्पॉट्स भी हैं। तो F1 जनरेशन में हमको सारे ही जो एनिमल मिलेंगे वो रोन मिलेंगे, और जब इससे F2 जनरेशन आप ऑब्टेन करेंगे तो वही रेशियो आपको फिर से मिल जाएगा 1:1, ठीक है ना। देखो, व्हेन अ ब्लैक पेरेंट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट पेरेंट, अ रोन कलर F1 प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड। कैसी मिलेगी? रोन कलर, चितकबरी। When we obtain F2 generation मिलेगी उस F1 से, तो रेशियो मिलेगा 1:1, ब्लैक व्हाइट यानी रोन यानी चितकबरा और व्हाइट, रेशियो आ गया 1:1, क्लियर, समझ गए क्या? तो ये है इफेक्ट किसका? कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस की वजह से आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ये देखो, यहां पर इस क्रॉस में आप देख सकते हैं कि ये रहा ब्लैक, R1 R2 लिख दो, व्हाइट R2, ब्लैक हो गया R1, व्हाइट हो गया R2, और F1 जनरेशन में R1 R2 एक साथ आ गए तो ये कैसे? अब इससे मैटिंग कराई, सेल्फ क्रॉस, सिबलिंग मेटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो आपको मिला एक ब्लैक, दो रोन और एक वाइट, यानी रेशो कितना आ गया? 1:2:1। चाहे जीनोटाइप रेशो देख लें, चाहे फिनोटाइप रेशो देख लें, दोनों ही कितना मिला? 1:1। यानी आप ये बात समझ गए कि कोडोमिनेंस में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही रेशो जो आता है वो कितना आता है? 1:1 आता है। कितना आता है? 1:1, चाहे फिनोटाइप रेशो हो चाहे जीनोटाइप रेशो। तो ये कहानी हमारे कोडोमिनेंस, क्लियर, समझ गए। चलो भाई, खास बात क्या है? दोनों में डिफरेंस आप देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो क्या होता है, दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों कैरेक्टर जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये देखो, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर्स आर ब्लेंडेड
फिनोटिपिकली फिनोटाइपिकली दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, बट इन कोडोमिनेंस जीन्स ऑफ अ पेयर एग्जिबिट बोथ द कैरेक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? अदर एग्जाम्पल्स, एक तो आता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, जब आई ए और आई बी एक साथ होते हैं तो ब्लड ग्रुप आता है ए बी। ये भी एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का। एक है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जब एच बी ए और एच बी एस दोनों एक साथ होते हैं तो ये होता है कैरियर, ना तो ये अफेक्टेड है ना ही ये नॉर्मल है। ये कैसे हैं कैरियर? तो सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप जो है वो दो से ज्यादा एलील से कंट्रोल, और इसीलिए ये एग्जाम्पल है किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। भाई मल्टीपल यानी ज्यादा एलिलिज्म या एलील। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर किसी जीन के दो से ज्यादा एलील्स हो, एलील मतलब उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। देख लो, मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, दो से ज्यादा, दो तो होते हैं नॉर्मली ऑफ सेम जीन, दो से ज्यादा हो किसी जीन के तो वो कहलाएगा मल्टीपल एलील। वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन। भाई जब किसी जीन की दो ही फॉर्म्स हैं तो यहाँ दो से ज्यादा कैसे आ गई? कैसे दो से ज्यादा डेवलप हो गई? तो वो डेवलप हो गई किस वजह से? म्यूटेशन की वजह से। किस वजह से डेवलप हो गई? म्यूटेशन की वजह से डेवलप हो गई। भले ही किसी कैरेक्टर की दो से ज्यादा एलील हो लेकिन एक इंडिविजुअल में एक बार में दो ही एलील पाई गई। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि भले ही किसी जीन की दो से ज्यादा एलील हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितनी भी हो, लेकिन एक इंडिविजुअल में केवल दो एलील प्रेजेंट होगी, और इन दोनों की जो सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होगी, सेम पोजीशन पर होगी। ये देखो, मल्टीपल एलील लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अ डिप्लॉइड इंडिविजुअल कंटेन टू एलील्स एंड गैमेट कंटेन्स वन एलील फॉर अ कैरेक्टर। किसी भी डिप्लॉइड इंडिविजुअल में दो एलील होती है लेकिन जब गैमेट बनता है, हैप्लॉइड होता है, तो केवल एक एलील होती है। तो मल्टीपल एलील भले ही है, इंडिविजुअल अगर डिप्लॉइड इंडिविजुअल है तो केवल दो एलील होगी और उसका जो गैमेट बनेगा उसमें एक ही एलील होगी। हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन में, ब्लड ग्रुप, उसके लिए कितनी एलील प्रेजेंट होती है? तीन। अभी हम बताएंगे भी सही, आई ए, आई बी और आई ओ, तीन एलील है। कोट कलर इन रैबिट, खरगोश में जो स्किन कलर होता है उसकी चार होती है। ठीक है, फोर एलील्स प्रेजेंट होती है। अब देखें, मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, तीन एलील है या चार एलील है, तो इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं तो वो कितने होंगे? n इंटू n प्लस वन होंगे।
कितने होंगे, n इंटू एन प्लस वन होंगे, है ना। तो देख लो सिंपल सी बात है, अगर तीन एलील होती, देखो एक सेकंड भाई, अगर आप देखें कि भाई हमारा जीनोटाइप निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो अगर ब्लड ग्रुप के केस में देखेंगे तो ब्लड ग्रुप के केस में है हमारी तीन एलील, ब्लड ग्रुप के केस में क्या है, तीन एलील है। तो अगर तीन एलील है, ये देखो आ जाओ इधर, तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन, तो थ्री इंटू फोर बाय टू इज इक्वल टू सिक्स, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने, छह। अगर फोर है, फोर इंटू फाइव बाय टू इज इक्वल टू टेन। तो हमारे ब्लड ग्रुप के केस में कितनी एलील्स पॉसिबल हैं, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, सिक्स, और हमारे रैबिट के कोट कलर में कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, दस। ठीक है, तो चलो एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल आ गया हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप, पहला एग्जांपल आ गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। हमारे ह्यूमंस में जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है उसका कंट्रोल वो डिटरमिनेशन तीन एलील से होता है, एक देखो आई ए, एक है आई बी और एक है आई ओ। आई ए कैसी है, डोमिनेंट, आई बी कैसी है, डोमिनेंट, और आई ओ ये कैसी है, रिसेसिव। आई ए डोमिनेंट, आई बी डोमिनेंट और आई ओ रिसेसिव, और इन चारों से कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं, चार टाइप के, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम देखें आई ए और आई ए एक साथ हो, ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए आएगा। अगर हम देखें आई ए और आई ओ तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए। तो अगर ये दोनों जीनोटाइप होंगे तो ब्लड ग्रुप आएगा ए, है ना। अगर आपको मिले आई बी, आई बी या आई बी आई ओ तो क्या ब्लड ग्रुप आएगा, बी आएगा, ऐसे ही होगा। अगर आपको पता चला आई ओ, आई ओ ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। लेकिन अगर जीनोटाइप आए आई ए आई बी तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। इस केस में दोनों ही अपना इफेक्ट शो करेंगे, इसीलिए तो इसको हमने कंसीडर किया था कहां, कोडोमिनेंस में, इसीलिए तो इसको हमने कहां बोला था, कोडोमिनेंस में। तो भाई अगर आई ए आई ए होगा या आई ए आई ओ होगा तो ब्लड ग्रुप आएगा ए, आई बी होगा या आई बी आई ओ होगा तो ब्लड ग्रुप आएगा बी, आई ओ ब्लड ग्रुप आएगा ओ, आई ए आई बी तो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। क्लियर, तो टोटल छह जीनोटाइप हो गए ना, एक दो तीन चार पांच और छह, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपको पता ही है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी थ्री इंटू फोर बाई टू इज इक्वल्स टू सिक्स। तो ये टोटल छह जीनोटाइप हमको यहां मिले। क्लियर, ये देख लो
ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ये दो जीनोटाइप है, बी है तो ये दो जीनोटाइप है, ए बी है तो ए और बी, और ओ है तो ये आई ओ आई। ब्लड ग्रुप का जो बॉडी में डिटरमिनेशन होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी से होता है। आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उनसे ये बात डिटरमाइन होती है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, है ना। तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का रोल है, जो जूलॉजी में पढ़ाया जाता है आपको। फिर भी हमने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन जो होगा वो भी ए होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी और एंटीबॉडी ए, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी और कोई एंटीबॉडी नहीं, अगर ओ है तो एंटीजन नहीं होगा एंटीबॉडी दोनों होगा, और पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने सिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स सिक्स। क्लियर, समझिए या बात को। चलो भाई चलो चलो चलो, चलो। हमारा ये जो ब्लड ग्रुप वाला केस है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आ गया कि भाई मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप तो है बी, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो ये बताओ उनकी जो प्रोजेनी डेवलप होगी, उनके जो बच्चे होंगे उसका जीनोटाइप, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं, है ना। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं इस चीज के लिए हम ये देखेंगे, क्रॉस करा दो। अब भाई क्रॉस कैसे कराएं, जीनोटाइप तो दिया ही नहीं है, जीनोटाइप तो दिया ही नहीं है। तो अगर कुछ ना दिया जाए तो हमेशा कैसा मानेंगे, हेटेरोजाइगस मानेंगे। अगर कभी कुछ ना बोला जाए तो हमेशा क्या मान के चलना है, हेटेरोजाइगस, यानी मदर का जीनोटाइप तो हो गया आई बी आई ओ और फादर का जीनोटाइप हो गया आई ए आई ओ। समझो भाई, अगर हमको कुछ नहीं बोला होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, क्वेश्चन में दे दे कि भाई मदर होमोजाइगस है तो हम मान लेंगे आई बी आई बी। अगर क्वेश्चन में ही बोल दे कि मदर का जो जीनोटाइप है, मदर जो है वो हेटेरोजाइगस है, तो पता लग जाएगा आई बी आई ओ है। लेकिन कुछ नहीं बोला, ना होमोजाइगस बताया ना हेटेरोजाइगस, तो हम हमेशा हेटेरोजाइगस मान लीजिए, मान लिया हेटेरोजाइगस मान लिया। अब इन दोनों का क्या कराना है, क्रॉस, क्रॉस कराना जानते ही हो, क्या करा दे, स्क्वायर बना दो। फादर आई ए आई ओ, मदर आई बी आई ओ। अब जो जीनोटाइप बनेगा वो भी निकाल लेंगे, आई ए आई बी आई बी आई ओ आई ए आई ओ आई ओ आई ओ। देख लो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ये कौन सा है ए बी, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है ए, और ये कौन सा है ओ। यानी ये जो चाइल्ड होगा इसके चारों ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है और ओ भी पॉसिबल है, चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पॉसिबल है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, आपको पता हो कैसे इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं या जगह बना लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देखो भाई, ये जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप दे दिया बी, फादर का ब्लड ग्रुप दे दिया ए बी, और एक बच्चा है, चाइल्ड है, जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। मदर का या लेडी का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, जो फादर है या जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। और ये जो कपल है मदर फादर, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा इनका है ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो क्या इनका क्लेम सही है ना? तो हमको ये पता करना है कि इनका जो क्लेम है वो सही भी है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, ये हमको पता करना। तो कैसे पता करेंगे? वही क्रॉस करा दो, मदर का जीनोटाइप लिख दो आई बी आई ओ। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं दिया ना, हेटेरोजाइगस मानेंगे। फादर का तो पता ही है आई ए आई बी ए बी है, क्रॉस करा दो। आई ए फादर का लिख दो आई बी, और यहां लिख दो आई बी आई ओ मदर का लिख दो। चलो क्रॉस कराएंगे आई ए आई बी आई बी आई बी आई ए आई ओ आई बी आई ओ। इसका ब्लड ग्रुप ए बी, इसका बी, इसका ए और इसका बी। क्या इस पेरेंट के ओ ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड हो सकता है? तो क्रॉस करा के देख लिया, एक भी चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, एक भी जो चाइल्ड है वो ए ब्लड ग्रुप वाला नहीं है। इसका मतलब इस चाइल्ड पर जो इनका क्लेम है वो कैसा है? रॉन्ग है। ठीक है, इन चाइल्ड पर, ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड है, इस पर इनका क्लेम बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? ये बच्चा इनका नहीं हो सकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस सिंपल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टीपल एलिलिज्म का दूसरा एग्जांपल, कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में जो स्किन कलर है उसके लिए प्रेजेंट होती है, जैसा हमने पहले बताया था, चार एलील। कितने एलील्स हैं? चार एलील्स हैं फॉर कोट कलर। कौन कौन सी हैं चार टाइप? एक वाइल्ड टाइप है कलर्ड, शो करते हैं हम सी प्लस से। एक है हिमालयन, जिसको हम शो करते हैं सी एच से। एक है चिंचिला, जिसको हम शो करते हैं सी सी एच से। और एक है एल्बिनो, जिसको हम शो कर देते हैं सी ए से। अब चार टाइप के एलील्स हैं, तो जीनोटाइप तो हमने बताई दिए कि एन एन टू एन प्लस वन अपॉन टू, तो कितने जीनोटाइप बनेंगे? 10 जीनोटाइप। और ये 10 कौन कौन से होंगे? इनका जो डोमिनेंट सी का सीक्वेंस है वो है ये, सबसे ज्यादा डोमिनेंस है वाइल्ड टाइप यानी फुल कलर्ड, उसके बाद चिंचिला, उसके बाद हिमालयन और उसके बाद एल्बिनो। तो ये देखो कलर्ड चार टाइप, चिंचिला तीन जीनोटाइप, हिमालयन में दो और एल्बिनो में एक। तो ये केवल जीनोटाइप्स वगैरह आप याद रख लें, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कोई बोल दे भाई ये कलर्ड जो है इसका क्रॉस कराओ आप किसी हिमालयन से, तो उस अकॉर्डिंग आप इसका क्रॉस करा सकते हो, जीनोटाइप पता कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें,
क्वेश्चंस करें जेनेटिक्स के, जहां तक हम पढ़ चुके, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ये चैप्टर क्लियर होगा। और क्वेश्चंस करने से पहले थ्योरी है ना, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस करें जितने भी, और लाइव क्लास अटेंड करें, क्वेश्चंस पूछें। अगर आप लोग चाहेंगे तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक डाउट क्लास रख लेंगे, आप लोग क्वेश्चंस पूछें, मैं उनके आंसर कर दूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। चलिए।